हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी लैब। स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी लैब में। ये देखिए, एएलपी के लेके जो सारे डिस्कस कर रहे थे और बहुत सारे स्टूडेंट को जो है ये बात क्लियर नहीं हो रहा था कि कब कितना सीट है, किस में कितना, कैसे ट्रेड चुने, क्या करें, तो आज सारे डिटेल्स आपको देने वाला हूँ मैं, तो मेरे साथ बने रहिएगा। ये देखिए, मैंने सारा डिटेल्स निकाला है, तो आप लोग पूरा इसको देखिएगा क्योंकि मैंने सारे डिटेल्स निकाल के रखे हुए हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये जो आप लोग सोच रहे हैं कि मेरा जो है कम मार्क है, 25 है या 30 के अंदर ही है तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। सभी का सिलेक्शन मतलब हो सकता है। जिस तरह से आप लोग, रेलवे जो है बता दिया कि 15 गुना रिजल्ट लेगा, यानी कि लगभग में जो है 10 लाख स्टूडेंट को सिलेक्शन करेगा। और रेलवे के पास जो है टोटल जो है लमसम में 47 लाख तो भरा था, लेकिन 36 हज़ार के लमसम में जो है एग्ज़ाम, 36 लाख के लमसम में एग्ज़ाम दिया है। और सभी जो है पहले ही एग्ज़ाम नहीं दिए क्योंकि दूरी सेंटर था, तो इसलिए। और बहुत सारे स्टूडेंट जो है कमेंट कर रहे हैं कि मेरा सर इतना है, मेरा 20 से नीचे है, मेरा 8 है और मेरा 10 है। तो ये तो मतलब पहले मैं बता दूं कि जो परसेंटेज रेलवे दिया था कि 30% जो है OBC के लिए, 30% OBC के लिए, जनरल के लिए 40% दिया था, जनरल के लिए 40% और SC के लिए जो है 25%। तो आप लोग जो है इस पर भी आप लोग का सिलेक्शन हो सकता है अगर आप लोग सोच समझ के जो है जोन चुनेंगे और ट्रेड चुनेंगे। तो अब मैं सारे जोन के बारे में जो डिटेल्स बता दूंगा कि किस जोन में कितना सीट है, किस जोन में क्या है, किस जोन में PCM के लिए कितना है और ALP के लिए कितना है और टेक्नीशियन के लिए कितना है, और कैसे मतलब सेलेक्ट करना है, किस जोन में मतलब कितना पोस्ट आएगा, 15 आएगा, 20 आएगा या क्या 5 आएगा। तो जिस जोन में जो है वो सारे हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये देख लीजिए, आईटीआई और PCM वाले सबका होगा सिलेक्शन। मैंने ऐसा क्यों लिखा, तो मैंने ऐसा इसलिए लिखा कि PCM वाले जो है वो पढ़ने में थोड़ा तेज़ होते हैं और उसका जो है मार्क्स ज़रूर है कि 40 के लमसम आता होगा। और 40 के लमसम अगर आ रहा है या 40 से 30 से जो है 40 के बीच में अगर आ रहा है PCM वाले का मार्क, तो उसका सिलेक्शन हो सकता है, मे भी हो सकता है अगर वो जोन सही से चुने तो। आइए मैं डिस्कस कर लेता हूँ। ये देखिए, इसके बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। पहले मैं इसके बारे में कुछ बता देता हूँ कि लोको पायलट में इतना सीट है और टेक्नीशियन में इतना। ये टेक्नीशियन में इतना सीट है, पहले जो नोटिफिकेशन आया तो सभी बोले कि ये टेक्नीशियन का सीट है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये टेक्नीशियन का जो नहीं है, इसमें जो है ITI और डिग्री वाले जो है, डिप्लोमा इंजीनियरिंग, ये सारे इसमें मिक्स हैं। लेकिन और इसमें भी, इसी में ही PCM भी मिक्स है, लेकिन PCM का कुछ कम, बहुत कम सीट है, लेकिन टेक्नीशियन और ITI वाले का जो है बहुत वाहवाही है। तो ये सारे जो है आप लोग तो पढ़ ही लिए होंगे, इसके बारे में मैं डिस्कस नहीं करूँगा। थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए, थोड़ा सा मैं दिखा दे रहा हूँ, सीट बढ़ा या ये क्या हुआ, ये सब तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। ये यहाँ पे ई देख लीजिए कि प्रथम, ये मैंने हिंदी वर्जन लोड किया, लेटेस्ट आया है, और जो भी लेटेस्ट आता है मैं आपको बता देता हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दे, जिससे कि आपको हर एक लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। देखिए, ये प्रथम कंप्यूटर आधारित परीक्षा जो है उपस्थित सभी उम्मीदवारों को रेलवे भर्ती बोर्ड चयन करना होगा, ये अनिवार्य है, करना ही होगा। और उत्पादन इकाइयों पदों के जो विकल्प आता है, जैसे कि आप लोग अगर ग्रुप डी का फॉर्म भरे होंगे तो उस टाइम में आपको आया होगा 15 या 20 या 18 पोस्ट सेलेक्ट करने के लिए, 1, 2, 3 करके, तो ऐसे ही आपको सेलेक्ट करना है। ये विकल्प जो दिया है प्राथमिक चुनना होगा। और द्वितीय चरण कंप्यूटर आधारित परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्ट करने के लिए उनकी उम्मीदवारी नहीं मानी जाएगी। अगर आप ये नहीं करते हैं तो आपको द्वितीय में तो लेगा ही नहीं। अगर आपका जो है 50 मार्क भी क्यों ना हो या 75 मार्क भी क्यों नहीं, अगर आप इसको नहीं सेलेक्ट करते हैं तो आपको परीक्षा CBT 2 में देने भाग्य योग्य नहीं रहेंगे। तो चलिए, अब मैं दिखा दे रहा हूँ थोड़ा और कुछ। ये परीक्षा ट्रेड के बारे में दिया हुआ है। अगर यहाँ पे उपयुक्त योग्यता जैसे ITI, HSC और डिप्लोमा डिग्री वाले उम्मीदवारों के लिए अपनी योग्यता के अनुसार एक से अधिक परीक्षा ट्रेड का चयन किया है, रेलवे भर्ती बोर्ड आवेदक समय चुने गए परीक्षा ट्रेड में बदलाव के लिए उम्मीदवारों को अभ्यर्थ प्राप्त हुए, यानी कि अब जो है आप एक से अधिक ट्रेड अभी चुन लिए हैं तो आप लोग उसको बदल सकते हैं, क्योंकि ट्रेड आपको एक ही चुनना है, भली पोस्ट आपको जो है जितना आएगा वो आप पोस्ट चूज कर सकते हैं, ट्रेड आपको एक ही चुनना है। इलेक्ट्रिशियन हो, फीटर हो या मैकेनिकल हो या जो भी हो, तो आपको ट्रेड एक ही चुनना है, भली उसमें कितना भी पोस्ट मतलब आ जाए तो उसको हो सकता है, लेकिन आपको ट्रेड के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। या फिर जो भी ऑप्शन आता हो मैं वो भी दिखाऊँगा अभी,
कि कैसे प्रैक्टिकली करते हैं। फॉर्म आप लोग मोबाइल से भी अपडेट कर सकते हैं। तो चलिए इसको देख लेते हैं डिटेल्स में। उम्मीदवार को द्वितीय चरण कंप्यूटर आधारित परीक्षा में भाग बी में केवल एक परीक्षा ट्रेड में शामिल होने की सुविधा प्रदान करने के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड ने अब निर्णय लिया है कि जिन उम्मीदवारों ने अपनी बहु योग्य को देखते हुए एक से अधिक परीक्षा ट्रेड का चयन किया है उन्हें केवल एक परीक्षा चुनने का अवसर दिया जाएगा। यानी एक ही परीक्षा, मैंने पहले बता दिया कि एक ही ट्रेड आपको चुनना है। ऐसे उम्मीदवार जो द्वितीय चरण कंप्यूटर आधारित परीक्षा के भाग बी में चुने गए परीक्षा ट्रेड में अहत प्राप्त करते हैं उन्हें द्वितीय चरण कंप्यूटर आधारित परीक्षा के भाग ए में उनकी योग्यता के आधार पर उन सभी पदों के लिए पात्र माना जाएगा जिनके लिए उन्हें पास निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता है। अगर आप लोग इसको डिटेल्स में पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग जाइएगा कौन भी रेलवे के नोट ऑफिशियल वेबसाइट पे, वहाँ पे हिंदी वर्जन भी लोड हो गया है जो ये लेटेस्ट है। ये कल ही शाम को शायद अपलोड हुआ था, तो मैं सोचा कि इसके बारे में बता दूं। सारे मतलब पोस्ट को मैंने एक एक करके जो है सभी को मतलब जोड़ करके मैंने लिखा है, तो उसके बारे में भी आपको मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे देख लिए। इसके अतिरिक्त रेलवे भर्ती बोर्ड उम्मीदवारों को बार बार मौका देने का निर्णय लिया है कि जिन्होंने अपने आवेदन में एकल परीक्षा ट्रेड चुना है यदि वे अपनी योग्यता से संबंधित ट्रेडों में से पुनः परीक्षा ट्रेड परिवर्तित करना, यानी कि अभी गलती से भी उसको दूसरा ट्रेड चुना गया है और अभी भी मतलब वो सुधार करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद वो सुधार नहीं कर सकते क्योंकि ये लास्ट है, परिवर्तित कर सकते हैं केवल ITI NC योग्यता वाले उम्मीदवारों के लिए जो परीक्षा ट्रेड उनके आवेदन में दिया गया ITI NC ट्रेड होगा। यानी कि वो नहीं बदल सकता क्योंकि उसको सिर्फ ALP वो नहीं बदला जा सकता यहाँ पे बोल रहा है, तो वो ALP से है तो ALP से ही रहना चाहेगा क्योंकि उसमें भी सीट है। और ये टेक्नीशियन में तो बहुत सारे जो इसमें डिग्री वाले आते हैं, डिप्लोमा इंजीनियरिंग, ये सारे आते हैं। और ये आवेदन शुल्क वापस के लिए, तो इसके बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, फिर भी मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ कि आप लोग अगर संशोधित करना चाहते हैं अपने खाते को, यानी आप चाहते हैं कि मैंने पहले दूसरा अकाउंट कर दिए या आपका अकाउंट वो बंद हो चुका है, दूसरा अकाउंट आप देना चाहते हैं, तो ये सब आप कर सकते हैं मॉडिफाई। चलिए आप आते हैं, मैं किस पे कितना सीट है उसको देख लेते हैं। तो ये देख लीजिए, अगर अभी तक आप लोग को मतलब ये भी आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करिएगा, मैं सारे कमेंट का डिटेल जवाब ज़रूर दूंगा। तो चलिए इसको मैं देख लेता हूँ। ये देखिए मैंने ऐसा लिखा कि 25 से भी 28 मार्क तक अगर आ रहे हैं आप लोग को, तो ITI वाला सब तो है, अगर 25 मार्क तक भी आ रहा है तो आप लोग का सिलेक्शन पक्का है क्योंकि ITI जो है लोको पायलट में बहुत सारे सीट हैं। और आप लोग को मन है तो टेक्नीशियन में भी आप लोग जा सकते हैं क्योंकि ITI वाले को वाहवाही है, वो दोनों में जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। चलिए इसको देख लेते हैं। और ये नहीं सोचिएगा कि मतलब कितना कटअप जाएगा, कटअप जो है आपके हिसाब से मतलब कम ही रहने वाला है, कटअप हाई नहीं जाएगा क्योंकि 15% 15 गुना लेना है, यानी 10 लाख स्टूडेंट को सेलेक्ट करना है उसको सेकेंड CBT के लिए। तो चलिए देख लेते हैं इसको। देखिए मैंने यहाँ पे पहले से रांची लिया है, तो रांची में जो है ALP का सीट है कितना, 2031 सीट है। तो ALP का जो है रांची में आप, और ये भी मैं बता दूं आपको कि आप लोग जो है ये सोच समझ के आप लोग जोन भी चूजे करिएगा क्योंकि आपका अगर नंबर कम आ रहा है तो आप लोग जो है ज़्यादा जिसमें सीट है उस जोन को आप लोग चूज कीजिएगा और उसके लिए आप लोग जो है चूज कीजिएगा तो आप लोग का सिलेक्शन पक्का। और जिसका जो है अपना मतलब 40 से ऊपर है तो वो अपना कोई भी जोन चूज कर सकते हैं क्योंकि उसका तो सब जगह सिलेक्शन हो ही सकता है। तो चलिए ये देख लीजिए, ALP में जो है 2031 सीट है और टेक्नीशियन में जो है 2032 सीट है। अब ये सोच लीजिए आप लोग कि ALP जो है रांची से, अगर जो भी लड़के रांची जोन से भरता है, अगर रांची जोन से भर रहा है लड़का और 2031 पोस्ट है इसका, इसका 15 गुना आप जोड़ लीजिए कितना होगा, इसका जो 15 गुना हो जाएगा कितना, लगभग में जो है 15 दुना 30 30 31,000 के लमसम जो है 15 दुनी 30, ये जो है लमसम में जो है 31,000 के लमसम में आता है। यानी कि 31,000 सीट रांची में, 31,000 लोको पायलट का जो है ये रांची से सेलेक्ट कर सकता है क्योंकि 15 गुना लेना है इसको, और इसका भी 15 गुना लेगा, इसका भी 15 गुना लेगा, तो ऐसे ये लेगा क्योंकि PCM का भी 15 गुना ही उसको लेना है, क्योंकि नहीं तो अगर सारे को टोटल को जो 15 गुना लेगा तो PCM वाले तो बेचारा मारे जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं करेगा, ऐसा नहीं करेगा, ये PCM इसका 15 गुना लेगा, इसका 15 गुना लेगा, इसका 15 गुना लेगा, इस तरह से वो सेलेक्ट करके कटअप निकालेंगे। और टोटल भी अगर इस सब का 15 गुना लेगा, इस सब का 15 गुना अगर लेगा तो इसका भी 15 गुना हो ही जाएगा, तो इस तरह से ये लोग लेंगे। तो आप लोग देख लीजिए कि ALP में और PCM में जो है, इसमें ये नहीं देखिएगा कि ये सिर्फ इसके लिए है, ये PCM जो है रांची जोन में
पीसीएम यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के वाले जो स्टूडेंट है उसमें जो है इसमें ओबीसी भी आएंगे, जनरल भी आएंगे और SC ST भी आएंगे, तो ये सारे इसी में आएंगे अगर PCM से है तो। ALP में भी जो है झांसी जोन से जो भरेगा उसी इसी में जो है सभी आएंगे, SC ST जनरल OBC सभी इसी में आएंगे। तो इस तरह से आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगर इसका PDF चाहिए तो मैं इसी के वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में दे दूंगा, ये देख लीजिए आप लोग नोट कर सकते हैं कि किस जोन में कितना है। ये देखिए पटना, पटना में भी ALP का 720 सीट है, तो पटना में भी ठीक ठाक सीट है, लेकिन पटना में जो है बहुत हाई कटअप जाने वाला है, तो पटना से आप लोग नहीं ही भरिएगा। और जो पटना के निवासी है वो तो कुछ भरेंगे ही, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट जो है जहाँ ज़्यादा सीट है आप लोग का नंबर बेसिस नंबर के आधार पर आप लोग जोन चूज कीजिएगा कि किसमें मैं सेलेक्ट एलिजिबल हो सकता हूँ। क्योंकि मैं बता दिया हूँ कि 25 से लेकर के 20 जो मिनिमम मार्क बताया था, मिनिमम परसेंटेज की जनरल के लिए 40% है, अगर 40% भी आप लोग का हो रहा है तो फिर पटना में तो नहीं भरिएगा, क्योंकि पटना में जो है बहुत ज़्यादा बहुत कम सीट है और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट रहते हैं, और बिहार का स्टूडेंट ऐसे भी टॉपर है, तो इसमें नहीं ही भरिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर में जो है ALP का 556 है, टेक्नीशियन का 569 है और PCM का जो है 124 है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का, और टोटल जो है इसमें 11,039 पोस्ट है। ये देख लीजिए नेक्स्ट हमारा सिकंदराबाद, सिकंदराबाद में भी बहुत मस्त सीट है, सिकंदराबाद में भी बहुत ज़्यादा सीट है। तो सिकंदराबाद में भी ALP का जो है 3133 सीट है, टेक्नीशियन का 2248 है और PCM का जो है 436 है, तो ये भी आप लोग को भर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है सिकंदराबाद में ये साउथ एरिया पड़ता है और यहाँ पे जो है यहाँ का स्टूडेंट जो है ज़्यादा इस सब से इंटरेस्टेड नहीं रहता है, तो आप लोग यहाँ भर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे सीट ज़्यादा। अब इसका 15 गुना आप लोग सोच सकते हैं कितना होगा, इसका 15 गुना आप लोग सोच सकते हैं और इसका 15 गुना आप लोग सोच सकते हैं कितना होगा, तो यहाँ पे भर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे सीट अधिक है। मैं इसी तरह सबको दिखा रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये देखिए अहमदाबाद का जो है, अहमदाबाद का इतना ALP है, टेक्नीशियन का इतना है और 160 इतना है, अहमदाबाद में भी कम है क्योंकि अहमदाबाद में जो है थोड़ा कम सीट है, तो यहाँ पर भी आप लोग भर सकते हैं, लेकिन आप लोग अपने हिसाब से भरिएगा मार्क के हिसाब से। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए इलाहाबाद, इलाहाबाद में कितना है, इलाहाबाद भी भरने लायक है, इलाहाबाद में जो है 4236 ALP का है और ये टेक्नीशियन का 2449 है, PCM का, PCM वाले भी यहाँ भर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे अधिक पोस्ट है, लेकिन इसी में सभी मार्क करेंगे जनरल OBC और SC ST, तो फिर लेकिन फिर भी बन सकता है क्योंकि इसका 15 गुना रिजल्ट देगा तो बहुत हो सकता है, तो आप लोग इसमें भी भर सकते हैं, इसमें भी टोटल पोस्ट मतलब अधिक है। ये भोपाल का देख लीजिए, भोपाल में भी जो है 1110 ALP का है, टेक्नीशियन का 1428 है, PCM का 409 है और टोटल है 4947 इतना है। ये भुवनेश्वर का है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, मैं सारे डिटेल्स दे ही दिया हूँ, ALP यहाँ है, टेक्नीशियन, PCM और टोटल इतना है, तो आप लोग धीरे धीरे नोट कर लीजिएगा क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा मैं करना नहीं चाहता हूँ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिएगा। और जो दोस्त आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं क्योंकि ये जो सभी के लिए एलिजिबल है, तो आप लोग शेयर कर दीजिएगा क्योंकि बहुत मेहनत लगता है इसको सेलेक्ट करने में, कलेक्ट करने में। ये गोरखपुर का देख लीजिए, कोलकाता, कोलकाता भी ठीक है, कोलकाता में भी सीट बहुत ज़्यादा है टेक्नीशियन वाले के लिए, क्योंकि जो डिग्री डिप्लोमा और ITI वाले हैं वो सभी भर सकते हैं क्योंकि 1409 पोस्ट ALP का है और टेक्नीशियन का 4925 पोस्ट है, PCM का 193 है, टोटल जो है 5527 पोस्ट है। मुंबई, मुंबई में जो है 1866 पोस्ट ALP का है और ये 3203 पोस्ट टेक्नीशियन का है और 685, तो यहाँ भी PCM वाले भर सकते हैं, ये मुंबई भी भरने लायक है क्योंकि मुंबई का भी जो है स्टूडेंट वो ज़्यादा इस सब से इंटरेस्टेड नहीं है, हालांकि इंटरेस्टेड तो सबसे है लेकिन इसका 15 गुना करिएगा तो बहुत ज़्यादा हो सकता है क्योंकि यहाँ जा सकते हैं आप लोग। गुवाहाटी का देख लीजिए, गुवाहाटी में थोड़ा कम सीट है तो गुवाहाटी में आप लोग नहीं भर सकते हैं, लेकिन गुवाहाटी में भी भर तो सब जगह सकते हैं, लेकिन आप लोग का जो नज़दीकी है वहाँ भी भर सकते हैं, लेकिन सीट के हिसाब से आप लोग भरिएगा क्योंकि इसमें लैंग्वेज प्रॉब्लम मतलब लैंग्वेज वाली बात नहीं है कि यहाँ का लैंग्वेज आना चाहिए यहाँ का लैंग्वेज, क्योंकि ट्रेन ALP वाले को तो कोई भी लैंग्वेज और कोई भी मतलब जोन से भर सकते हैं क्योंकि इसका तो लैंग्वेज यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ इसको तो ड्राइव करना है। तो ये देखिए बेंगलुरु, बेंगलुरु में भी अच्छा सीट है, 1623 ALP का है, टेक्नीशियन का 1473 है और ये PCM का 383 है, टोटल यह 3479 सीट है। ये देख लीजिए बिलासपुर, बिलासपुर भी ठीक ठाक है ALP वाले के लिए, बिलासपुर ALP वाले के लिए ठीक ठाक है, 1400
84 पोस्ट है एएलपी वाले को, टेक्नीशियन वाले का थोड़ा यहाँ पे कम है, तो टेक्नीशियन वाले थोड़ा सोच समझ के यहाँ पे बढ़िएगा फॉर। ये देखिए चंडीगढ़, चंडीगढ़ में भी ठीक ठाक सीट है, चंडीगढ़ में 1308 एएलपी वाले के और टेक्नीशियन वाले के लिए भी ठीक ठाक सीट है और ईपीसीएम वाले के लिए ठीक ठाक सीट है। तो यहाँ भी देख लीजिए, आप लोग देख लीजिए, सबको नोट कर लीजिएगा। अजमेर में भी ठीक ठाक सीट है, अजमेर में भी 1110 सीट है, टेक्नीशियन का 1613 है और पीसीएम का भी ठीक ठाक है, अजमेर में भी आप लोग भर सकते हैं। मालदा में फिर ठीक ठाक सीट है, नहीं है मालदा में, सॉरी मालदा में ठीक ठाक सीट नहीं है। ये जम्मू और कश्मीर, तो जम्मू और कश्मीर में तो जाना भी नहीं चाहेंगे लोग, क्योंकि जम्मू और कश्मीर में तो वहाँ के ही स्टूडेंट मतलब जा तो सकते हैं लेकिन वहाँ जाना नहीं चाहते, ये हम भी जानते हैं। और ये तिरुवनंतपुरम में इतना सीट है तो आप लोग सबको नोट कर लीजिए। एक है सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी में, सिलीगुड़ी में थोड़ा कम सीट है लेकिन यहाँ भी स्टूडेंट तो भरेंगे ही, तो देख लीजिए। ये लास्ट हो गया, ये सारे मैंने 21 जोन, टोटल 21 जोन का जो है मैंने एनालिसिस दे दिया है कि आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो इसी के नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्टिव में मैंने आधा घंटा में लोड कर दूंगा, क्योंकि उस पर काम करना पड़ेगा, लोड करने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, तो आप लोग देख लीजिएगा और आधा घंटा में ये पीडीएफ उस जगह पर लोड हो जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में। तो ये पूरा 21 जोन का था, और आप लोग जो है 25 से 28 और 30, 28 से 25 से 30 के बीच में जो अगर मार्क आ रहा है तो आप लोग पक्का एलिजिबल है, क्योंकि जो है जनरल के लिए, तो जनरल के लिए चाहिए 40% मार्क टोटल 75 का, और ओबीसी के लिए, ओबीसी के लिए 30% चाहिए और एससी एसटी के लिए जो 25% चाहिए, तो इतना तो मार्क जो पढ़ने वाले हैं वो ला ही सकते हैं। तो आप लोग देख लीजिए, और अभी तो अभी अभी थोड़ा बैक करके देख लेते हैं टीवी। ये जो है आरआरबी वाइज वैकेंसी यहाँ पे दिया हुआ, तो ये तो मैंने पहले ही डिस्कस करवा दिया है कि जैसे कि यहाँ पे थोड़ा जूम कर लेते हैं, ये देखिए जैसे मैं भोपाल की बात कर रहा, तो भोपाल में जो है ये इतना सीट है, तो सॉरी इसमें तो मैं नहीं दिखा सकता, थोड़ा छोटा है। देखिए भोपाल की मैं बात किया, भोपाल का तो भोपाल में जो है ये देख लीजिए कि असिस्टेंट लोको पायलट का इधर है और टेक्नीशियन का इधर है, तो भोपाल में जो मैं टोटल इस सारे को जोड़ करके, मैं जो है इस सारे को जोड़ करके मैंने इतना जो है एलपी का सीट रखा था और टेक्नीशियन का जो है इस सारे को जोड़ के इधर यहाँ पे दिया हुआ है टेक्नीशियन का भोपाल में, सॉरी भोपाल कहाँ गया, ये दोनों जो है ये डब्ल्यू आर और ये डब्ल्यू सी आर और डब्ल्यू आर, ये दोनों को जोड़ करके मैंने जो भोपाल का सीट रखा था वो है। और मैं एक बात बता दूँ, थोड़ा लाइव आइए, थोड़ा सा बने रहिए, मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए जैसे ये इलाहाबाद है, तो इलाहाबाद जो है, इलाहाबाद में जो है ये टोटल यहाँ से लेके एक से लेकर के कितना पोस्ट है इलाहाबाद में आ रहे हैं, ये कुछ इस तरह का पोस्ट है। तो ये 61 61 यहाँ पे रिपीट क्यों हुआ, क्योंकि ये फीटर का सीट है, तो फीटर का जो सीट है आप लोग जो इलाहाबाद बोर्ड से जब भरिएगा, इलाहाबाद जोन से, तो इलाहाबाद जोन में जो है जैसे जितना मतलब पोस्ट है, जैसे आप लोग ग्रुप डी का जो फॉर्म भरे थे तो वहाँ पे भी इतना सिलेक्ट करना था कि कितना मैं मतलब इसमें आ रहा है, जैसे फीटर का आया था, ये क्या कहते हैं ट्रैकमैन का आया था, ये सब जो आया था, तो इसमें भी इस तरह का है, टेक्नीशियन का है, फीटर का है, इलेक्ट्रिकल का है, इलेक्ट्रीशियन का है, तो ये सारे इसमें भी है। अब थोड़ा और दिखा दें मैं, जैसे ये देखिए ये बेंगलुरु का है, तो बेंगलुरु में जो है एक से लेकर के यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे 7 ही पोस्ट है, ये 7 ही के लिए एलिजिबल होंगे, अगर बेंगलोर जोन चुनेंगे तो ये 7 ही के लिए एलिजिबल, और इस 7 ही में ही इतना इतना सीट है, ये सारे इसी में इतना इतना सीट है और इस इतना ही पोस्ट इसको मिलेगा। और जैसे यहाँ पे भोपाल, भोपाल में जो है लगभग में इसमें भी ज़्यादा है पोस्ट, ये इलेक्ट्रीशियन है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, यहाँ पे ये है, तो इसमें जो है जितना मतलब सब जगह जिसका जितना सीट है, तो उस तरह से आएगा। अभी भी समझ में नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों अगर अच्छा लगे तो, और दोस्तों को बता दीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, थैंक्स।